तो अली भाई ये भी बता दें, कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चन है कि जिनके घर यूपीएस लगा हुआ है, क्या वो भी सोलर पे शिफ्ट हो सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। जो इन्वर्टर आपको बैटरी से 200 वी कन्वर्ट करके दे सकता है, हमारा सिस्टम इस पर लग सकता है। बिल्कुल ठीक है। सोलर पे शिफ्ट होने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है जी? सोलर पे शिफ्ट होने के लिए जनाब आपको एक MPPT चाहिए जो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, सोलर पैड्स होनी चाहिए स्टैंड, और स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटी की वायर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी बता दें कि अक्सर लोग नहीं बताते कि अगर हम UPS से सोलर पे शिफ्ट होंगे तो हमारी बिजली की कितनी बचत हो सकती है? ये डिपेंड होता है कि आपने कितनी प्लेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और आप अपने लोड मैनेज करेंगे। तकरीबन एक प्लेट जो होती है वो 300-350 वाट आपको देगी, ठीक है जी। हमारे पास इन्वरक्स का भी माल होता है, ठीक है, ये इसके गारंटी कार्ड है, सीरियल नंबर इसके ऊपर होंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, और जो बिल्ट इन शीशे के अंदर होंगे वो भी सीरियल नंबर से मैच करके सेम, तो फिर आप इसको हम आपको देंगे। ये वाहिद कंपनी ऐसी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप एक पैनल भी लेते हैं तो इसके साथ इसका गारंटी कार्ड भी को एक ही मिलता है। लोनजी हाइमो 6 है, ये सिंगल ग्लास है, पी टाइप है, 550 वाट के आगे पीछे इसका रेटेड होती है, ठीक है जी। तो टायर 1 प्लेट है, ये डॉक्यूमेंट के साथ हम आपको दिखाएंगे। अगर रेट होने हैं तो वक्त के साथ इसका अपडेट होता रहता है, तो आप उसके साथ वक्त के साथ आपको ये जो पीछे स्टॉक में पड़ी हुई थी कैनेडियन एन टाइप है, ये पी टाइप थी, ये एन टाइप है। इसकी बैक है, डबल ग्लास है, ये फ्रंट है, ये अपडेट है, ठीक है, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। 575-580 वाट में आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमत और करम से खैर खरीस होंगे। तो करते हैं वीडियो का आगाज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलर पैनल जिनको कंपनी के और इन्वरक्स कंपनी के, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप क्लास नंबर 1 जो कि कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि आप कौन सी कंपनी में डील करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के अंदर, हमारा काम वैसे इन्वरक्स आउटलेट है, तो क्योंकि ब्रांड बहुत ज़्यादा हैं जिसमें जिनको भी है बहुत टॉप पे क्वालिटी जा रही है, कैनेडियन है, इन्वरक्स है, और पीटाई में देखें तो लॉन्जी है। जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोगों की डिमांड है कि एन टाइप जी, उसमें और इसमें डिफरेंट क्या कुछ है ये भी आपने बताना है, और आपने ये भी बताना है कि आपके पास कौन कौन सी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, कितने वाटेज की? हमारे पास कैनेडियन है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद जिनको है, लॉन्जी है, ठीक है, और इन्वरक्स का जो हमारा आउटलेट का माल होता है, ठीक है, तो उसमें वाटेज देखे जाए तो 555 है, 580 है, और 550-55 है। बिल्कुल सही है। तो ये जो सामने हमारे फिर इसको देखने को मिल रही है, ये कौन सी वाली है जी? ये जिनको एन टाइप है, ठीक है, ठीक है जी। इसकी 16 बस बार है, इसको फिजिकली देखना हो तो इसकी बस बार काउंट कर सकते हैं आप। जो पी टाइप होती है उसकी 10 लाइनें होती है, ये वाली बस बार, इसको बस बार बोलते हैं, ठीक है। इसकी लाइनें आप काउंट करें ना तो 16 होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और एक ऊपर 16, ठीक है। ये डबल ग्लास में है, ये डबल ग्लास है, बैक से भी करंट प्रोड्यूस करती है और फ्रंट से भी। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रंट वाली जितनी फ्रंट करेगी उतनी ही बैक करेगी, ये मैक्सिमम जो हमारे नॉलेज में हमारे माइंड के मुताबिक ये 20-30% होता है अगर उल्टा इसको लगाएं तो फिर, और इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है पी टाइप की निस्बत, तो एन टाइप होता है। ट्रेंडिंग पे ये वाली, हाँ ट्रेंडिंग ये जिनको है, इन्वरक्स है, और 2-3 ब्रांड हो रहे हैं लेकिन ज्यादा जिनको और इन्वरक्स चल रही है, कैनेडियन भी साथ चल रही है। ये कितने वाटेज की प्लेट है? ये 580 वाट में आती है, ठीक है, तो इसके जो पी टाइप होती है वो 500-550-55 इसके आगे पीछे इसके रेट मतलब के वाटेज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपने पूछा था दूसरा कि इसमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क एक तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, इसके अंदर जो मतलब कह लें कि सिलिकॉन के अंदर जो केमिकल हैं उसमें डिफरेंट है, मतलब पी टाइप में और केमिकल सिलिकॉन के साथ इस्तेमाल हुआ, इसमें और हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो पी टाइप है उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है बोरोन उसे बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हवा में जो हमारे मॉइस्चराइजर होते हैं और हमारे जो लाइटनिंग मतलब इफेक्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा होता है, मतलब वो फर्स्ट टाइम लगते हैं तो 1-1.5% अपनी एफिशिएंसी खो देते हैं पी टाइप, और एन टाइप जो होता है वो नहीं खोते। सही है। मस्टैंग सीरीज, ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि हमारा जो आउटलेट है इन्वरक्स के रिलेटेड है तो हमारे पास इन्वरक्स का भी माल होता है, ठीक है, ये इसके गारंटी कार्ड है, सीरियल नंबर इसके ऊपर होंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, और जो बिल्ट इन शीशे के अंदर होंगे वो भी सीरियल नंबर से मैच करके सेम,
तो फिर आप इसको हम आपको देंगे। ये वाहिद कंपनी ऐसी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप एक पैनल भी लेते हैं तो इसके साथ इसका गारंटी कार्ड भी अलग को एक ही मिलता है। जिसके साथ 10 प्लेटें लेंगे तो 10 गारंटी कार्ड अलग अलग मिलेगी। आपके सामने है ये, आप देख सकते हैं गारंटी कार्ड है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर से हदायत लिखी हुई है, ये इसके ऊपर आपके मतलब जिस डीलर से खरीदेंगे आप उसका डिटेल लिखेगी लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी और स्टैम्प इधर लगेगी कि किस डीलर से आपने खरीदा। तो ये अच्छा ब्रांड है, हम इसके साथ काम भी करते हैं। इसके हमारे पास इन्वर्टर्स भी मौजूद होते हैं 1.2 किलोवाट से लेके तकरीबन 50 किलोवाट तक इसके मैक्सिमम जो है इन्वर्टर हैं, और IP65 के साथ भी आते हैं और दूसरे भी इन्वर्टर्स के साथ हमारे आते हैं। ये इन्वर्टर्स कंपनी की ये जो प्लेट है कितने मिनिमम टू मैक्सिमम कितने वाटेज की होती है? ये क्योंकि एन टाइप का अपडेट मॉडल है, ठीक है, एन टाइप टॉपकॉन के अंदर ये 575 की आती है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी भी एन टाइप है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है पी टाइप की निस्बत, ठीक है, और ये डबल ग्लास है, ये बैक है और ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट होगी इसके साइड, ठीक है जी, ये बैक होगी ये फ्रंट होगी ना, हाँ ये फ्रंट समझ लें आप। तो ये मोनो पर्क हाफ कट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोनो पर्क ये हाफ सेल है। दूसरी बात ये है कि ये दो पैरेलल की हुई है, एक सेट ये समझ लें कि एक फ्रेम के अंदर दो प्लेटें लगी हुई है, ठीक है, मतलब ये 575 है ना, तो है। इसको हाफ ऑफ करें तो मैक्सिमम आप 250 ले लें, ठीक है, या 300 ले लें। अगर एक सेट के ऊपर लाइट नहीं पड़ती, कई दफा ऐसा होता है कि धूप आधे पे पड़ी होती है, तो अगर एक पैनल हो तो फिर ये पूरा सेट रुक जाता है सीरीज के अंदर हो, तो अगर आधे पे लगे और आधे पे ना भी लगे तो ये हाफ हिस्सा काम कर रहा होता है, इसको इसलिए कहते हैं हाफ कट। लॉन्जी हाइमो 6 है, ये सिंगल ग्लास है, पी टाइप है, 550 वाट के आगे जिसका रेडिट होती है, ठीक है जी। तो टायर 1 प्लेट है ये, डॉक्यूमेंट के साथ हम आपको दिखाएंगे। अगर रेट होने हैं तो वक्त के साथ इसका अपडेट होता रहता है, तो आप उसके साथ वक्त के साथ आपको ये जो पीछे स्टॉक में पड़ी हुई थी कैनेडियन एन टाइप है, ये पी टाइप थी, ये एन टाइप है, इसकी बैक है डबल ग्लास है, ये फ्रंट है, ये अपडेट है, ठीक है, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है, 575-580 वाट में आती है। क्योंकि हमारा इन्वेक्स का आउटलेट है तो हमारे पास जो मैंने आपको सोलर के ब्रांड दिखाए हैं वो प्लेटें भी होती हैं, और उसके साथ हमारे पास इन्वेक्स के जो आप देख सकते हैं इन्वर्टर पड़े हुए हैं और ये ब्रेकर वगैरह अपना ये पड़े हुए हैं, इनपुट पे लगते हैं आउटपुट पे लगते हैं, ये अपना ऑन ऑफ स्विच है। तो इसके नीचे जो आप देख सकते हैं कॉपर की ब्रांडेड वायर है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, ठीक है, L2, L3 और L1 भी पर मिल जाता है, तो ब्रेकर हर चीज़ मिल जाएगी, वायर वगैरह जो आपको चाहिए होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वक्त के हिसाब से जो रेट होंगे हम आपको बताएंगे। छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि हर लेटेस्ट से लेटेस्ट इतनी वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना मेरे खुश रहें, अल्लाह ने के बान।